फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता ब्लॉग्स। आज मैं आपको उल की चटनी बनाना बताऊंगी। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने दो लोगों के लिए बना रही हूँ। तो मैंने उल को छिलके काटा हुआ है और एक टुकड़ा अदरक का लिया है, हाफ नींबू और 5 हरी मिर्च। सबसे पहले हम उल को उबालेंगे, जिसके लिए मैंने कुकर में पानी लिया और उसमें उल डाल दिया है। 4 से 5 सीटी लगाएंगे जब तक उल सीज ना जाए। मिलती हूँ थोड़ी देर में। उल को मैंने उबाल लिया है, अब देखते हैं कि उल सीजी है या नहीं सीजी है। ये अच्छी तरह से उबल चुकी है, देखिए स्टीम बाहर आ रही है। उल को मैंने बाउल में निकाल लिया है और उसमें अदरक और हरी मिर्च को बारीक काट के डाला है और आधा नींबू डाला है और जो नमक है वो स्वाद अनुसार ही डाले। मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। मैं इसे अच्छे से चूर लूँगी। देखिए ये अच्छे से पेस्ट बन चुका है। अब इसमें मैं छौंक लगाऊंगी। छौंक के लिए मैंने सरसों तेल गरम करके उसमें राई का छौंक दिया है और हल्का सा ठंडा कर लिया है। इसमें तेल थोड़ी अच्छे से जाता है। अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ चटनी के ऊपर, और इसके ऊपर वो राई वाला छौंक है वो मैं डाल दूँगी। मैंने डाल दिया। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी और ये चटनी तैयार है। इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और कचौड़ी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए डालूँगी। ओके, बाय, टेक केयर।